ओए ये भाई तेरा ही है, वापस ले ले वापस। ओए चली गई। ओए तो दोस्तों मैं मास्टर केस के अंदर जाने लगा हूँ ताकि यार अपने दूसरे परिंदों को भी चेक किया जा सके। और यार आज एक और बात है, मैं अपने बटेरों को बाहर निकालने लगा हूँ ताकि यार ये भी बाहर निकल आए। तकरीबन इन्हें 15-20 दिनों से यहीं पे बंद करके रखा हुआ है क्योंकि यार बिल्ली का खतरा होता है, तो इसलिए मैं इन्हें बाहर नहीं निकालता, लेकिन आज इन्हें भी बाहर निकाल देंगे। इसे भी बाहर निकाल देते हैं मुर्गियों के साथ। ओए ओए कितनी फ्लाई है यार इसकी। ओए 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 पहली दफा मैंने बटेरे को इतना उड़ते देखा यार, इतनी लंबी फ्लाई है इसकी। यहाँ से उड़ाते हैं आपको दिखाते हैं ये। ओए कितना उड़ा यार बटेरा। ओए घर चला गया यार, मानी लेके एक और गया, दूसरा भी गया यार। ये क्या बात हुई यार, ये चीज तो समझ नहीं आ रही। तो दोस्तों मनान जा रहा है अपने बटेरों को वापस लेने के लिए। उतनी देर में अपने दूसरे परिंदों को देख लेता हूँ कि उन्होंने अंडे बच्चे वगैरह और दिए कि नहीं। और माशाल्लाह डायमंड डब का बच्चा काफी बड़ा हो गया, ये आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह काफी ज्यादा बड़ा हो गया। तो इंशाल्लाह तकरीबन मेरे ख्याल से इसे एक दो हफ्ते और लग जाएंगे, फिर उसके बाद ये उड़ना शुरू करेगा। चलो बहुत मुश्किल से पकड़ा गया। दूसरा अंदर छोड़ते हैं, बंद कर दो, बंद कर दो जल्दी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब कह रहे अच्छे होंगे। तो यार मैंने अपने सभी परिंदों को बाहर निकाल दिया, माशाल्लाह मेरे सारे परिंदे बाहर आ गए हैं। तो यार बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। मुर्गियों को भी बाहर निकाल दिया, कबूतरों को भी बाहर निकाल दिया, ग्वाइनी फॉल्स को भी बाहर निकाल दिया। तो सारे परिंदे छत पर दाना वगैरह खा रहे हैं, इनको थोड़ा सा दाना और डाल देते हैं। चलो जी ये खा लेंगे। और यार एक और बात आपको बतानी थी, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, मुर्गी अंदर चली गई, इसे बाहर निकालते हैं पहले। तो दोस्तों हमारे इस वाली कबूतरी ने माशाल्लाह से दो अंडे दे दिए हैं। कल अंडा दिया था, एक माशाल्लाह से आज अंडा आ गया। तो ये मेरे ख्याल से कबूतर बैठा है या कबूतरी बैठी है यार, इनका मुझे सही से ना पता नहीं चलता कि क्या सीन है। तो पता नहीं ये कबूतर है या कबूतरी है, लेकिन ये अंडों के ऊपर बैठी है और अंडों को प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये देखें जी, ये मरेगा, ये गुस्सा करिए, दो अंडे हैं माशाल्लाह से। तो दोस्तों अंडा मैंने उठा लिया एक, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है क्योंकि यार मेरे पास कबूतर का पहली दफ़ा अंडा आया। उससे पहले मैंने तोते वगैरह तो ब्रीड करवाए हैं, लेकिन कबूतर का भी ब्रीड नहीं करवाया। तो काफ़ी बड़ा अंडा है यार, तो इसे वापस रख देते हैं ताकि यार इसकी। ओए ये भाई तेरा ही है, वापस ले ले, ये आ गया। चलो आराम से बैठो भाई, पहले इसके नीचे उतार दे, नीचे चल चल दी। वो एक और चलेगी। ओए ओ भाई वापस। ओए चली गई। ओए ओए मनान मनान, मुर्गी मुर्गी गई, मुर्गी 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 मुर्गी, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जल्दी 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 जल्दी, ध्यान से गिरना चाहिए। यार नीचे आ गए हैं, तो मुर्गी को पकड़ते हैं, पता नहीं कहाँ गई है मुर्गी। मनान आगे जा रहा है, ये माशाल्लाह बैकयार्ड है हमारी। कहाँ गई मुर्गी? वो है जा सनी पकड़ के ला, सनी और बनान वगैरह गए हैं तो वो पकड़ के लाएंगे। पकड़ लो पकड़ लो, वो मनान ने पकड़ ली है मुर्गी, शुक्र है यार। वहां से उसने छलांग लगाई है वो ऊपर वाली छत से, तो यहाँ पे आ गई है, इसे वापस लेके चलो। तो दोस्तों मैं इनके लिए रोटियां लेके आया हूँ, रोटियां इसके अंदर, और यानी कि जो भी सुबह नाश्ते का बच गया है वो मैंने पानी के अंदर भिगो दिया था ताकि यार हमारी मुर्गियां खा लें। तो ये अब नरम हो गया, तो मैंने मुर्गियों को डाल दिया ताकि यार मुर्गियां खा लेंगी और इनका पेट भरा रहेगा। अगर पेट भरा रहेगा तभी तो ये अंडे देंगी। तो यार मनान ने एक और आइडिया दिया कि एक और हम केज बना सकते हैं इधर वाली साइड पर, ये जो कुछ चीज़ें पड़ी हैं ना, इनको इस्तेमाल करके हम एक और केज बना सकते हैं मुर्गियों के लिए। वो काफ़ी इजी भी होगा हमारे लिए बनाना। तो यार ये गली सी बनी हुई है, इसके ऊपर ये वाला दरवाज़ा रख देंगे, उसके आगे ना फ्रेम बना लेंगे छोटा सा दरवाज़ा टाइप, तो हमारी मुर्गियाँ यहाँ पे कवर हो सकती हैं। तो यार कल इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे। तो दोस्तों हमारे सभी परिंदे माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, हमारी सारी छत पे परिंदे फैल गए हैं। वो यार मुर्गी वापस चली गई है, तो इसे मैं बाहर निकाल दूंगा क्योंकि यार कबूतरी का अंडा है तो वो ये ज़ाया ना हो जाए, मैं नहीं चाहता कि कबूतरी के अंडे ज़ाया हो, तो मैंने मुर्गियों को बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अस्सलाम वालेकुम।